आज हम बनाने जा रहे हैं पात्रा। उसके लिए सबसे पहले बेसन को चाल के पानी डाल के इस तरह से मिला के ढक के साइड में आधे घंटे के लिए रख दें। पत्तियों को धो के पोंछ लें चाहे सुखा लें। लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट बना लें। अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हींग ले लें, स्वाद अनुसार नमक ले लें। ये देखिए आधे घंटे बाद मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था। अब इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल और अजवाइन और ये मसाले, पेस्ट और इन 3 चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब पत्ती को इस तरह से पीछे से हल्का सा आराम से इस तरह से काट लेंगे। आराम से काटिएगा वरना इस तरह आपका भी फट जाएगा। और बेसन को अच्छे से मिला के एक बार फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा रख के लगा लेंगे। दूसरी पत्ती उस पर रखेंगे और उस पर भी रख के लगा लेंगे। कम से कम 4 पत्तियों को रख के बनाएंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना ये अच्छे नहीं बनते, मोटे हो जाते हैं। और साइड से ऐसे फोल्ड करके उस पर भी लगाएंगे, इस तरफ से भी फोल्ड करके ऐसे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप भी कर लें। पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे इस तरह और उसे ऑयलिंग कर लेंगे और इस पे सारे रख देंगे और ढक के लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए पका लेंगे। इस तरह से चेक कर लें, ये पक गए हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। फ्राइंग पैन में ऑयलिंग करके इस तरह से रख के पलट पलट के हल्का ब्राउन कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई पसंद करते हैं तो कढ़ाई में तेल डालकर आप उसे हल्का ब्राउन कर लें। हमारे यहाँ शैलो फ्राई पसंद करते हैं इसलिए मैंने इसे इस तरह से हल्का ब्राउन किया है। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं।